So hello everyone and welcome to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. पिछले लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट कवर करा था और आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं. सुप्रीम कोर्ट हमारे पास एक ही है, पर हाई कोर्ट हर एक स्टेट के लिए या कुछ स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट ही होते हैं. तो लेट अस बिगिन विद. तो हाई कोर्ट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मैंने आपको बताया था, देयर इज अ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप. सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे पास हाई कोर्ट्स आते हैं. एट द सेम लेवल देयर आर डिफरेंट हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट्स के नीचे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, राइट? तो हाई कोर्ट्स डिफरेंट स्टेट्स की अगर बात करें, लाइक योर केरला हाई कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो दोनों की अथॉरिटी जो है, दोनों का लेवल जो है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेम है. इन द इंडियन स्कीम ऑफ जुडिशियल सिस्टम हाई कोर्ट वर्क बिलो द सुप्रीम कोर्ट. तो हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है. द जुडिशियरी इन द स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड हायरार्की ऑफ सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स. जैसे मैंने आपको बताया, हायरार्की में सबसे ऊपर आएंगे सुप्रीम कोर्ट. सबसे ऊपर है हमारा सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के नीचे आएंगे हाई कोर्ट्स और उसके नीचे आएंगे सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया इन 1862. तो 1862 में पहली बार हमारे पास बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट जो है बनाया गया था. तो इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस ही हाई कोर्ट का जो है कंसेप्ट इमर्ज हो चुका था. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट. यानी कि हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा. हाउएवर द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स. यानी कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए किसी एक हाई कोर्ट को डेजिग्नेट कर सकती है पार्लियामेंट. The territorial jurisdiction of a high court is coterminous with the territory of the state. अब coterminous with the territory of the state means, मान लीजिए अगर state का portion ये है, तो उसके अंदर अगर high court बनाया, तो high court का jurisdiction भी वही होगा जितना state का territory है. Jurisdiction मैंने आपको बताया था, the power to take actions or cognizance on a matter. Cognizance का मतलब है high court किन किन चीजों को, किन किस cases को अपने संज्ञान में ले सकता है. तो हाई कोर्ट केवल स्टेट के अंदर होने वाले केसेस को ही अपने संज्ञान में लेगा. फॉर एग्जांपल, अगर पंजाब में कोई केस आएगा, तो वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है. हम हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो हाई कोर्ट जो जो केसेस ट्राई कर सकता है, यदि वो केस पंजाब के अंदर, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो पंजाब के अंदर हो रहा है, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ही उसका कॉग्निजेंस लेगा. जुरिसडिक्शन जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की होगी. उस केस में हम केरला हाई कोर्ट में जाकर अपना केस दायर नहीं कर सकते हैं. फर्दरमोर, द पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू एक्सटेंड और कर्टेल द जुरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट ओवर द यूनियन टेरिटरी. तो पार्लियामेंट के पास पार है कि यूनियन टेरिटरी के लिए, यूनियन टेरिटरी के कंटेक्स्ट में हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं या कर्टेल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी भी हाई कोर्ट को यूनियन टेरिटरी की ज्यूरिसडिक्शन या तो दी जा सकती है या उनसे वापस ली जा सकती है पार्लियामेंट द्वारा. अब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट. अब हाई कोर्ट है, ऑब्वियसली हाई कोर्ट में जजेस भी होंगे, तो इन जजेस को अपॉइंट किस तरीके से किया जाता है? द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे. द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजेआई एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट. तो चीफ जस्टिस, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ने सीजेआई अपॉइंट करे थे, सीजेआई को अपॉइंट करा था, उसी तरीके से हमारे हर एक हाई कोर्ट के लिए एक चीफ जस्टिस होते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस. तो अब इस चीफ जस्टिस
को अपॉइंट किस तरीके से किया जाएगा, ये चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट भैया इनको अपॉइंट कर देंगे, पर करेंगे कैसे? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और उस स्टेट के गवर्नर से, जिस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है उस स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्टेशन करेंगे। इफ इट इज फॉर अ कॉमन हाई कोर्ट देन द गवर्नर्स ऑफ ऑल द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट्स आर कंसल्टेड। अब मान लीजिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, तो उस केस में पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट के गवर्नर्स को कंसल्ट किया जाएगा। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस टू हाई कोर्ट, बाकी के जो जजेस हैं हाई कोर्ट में ये अपॉइंट करने के लिए, इट इज अपॉइंट दैट द सीजेआई शुड कंसल्ट अ कलेगम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर रिकमेंडिंग अ नेम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द थर्ड जजेस केस। यानी कि बाकी के जजेस भी हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, पर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब वो नेम रिकमेंड करते हैं, तो वो सीनियर मोस्ट जजेस, जो थर्ड जजेस केस आया था उसमें बोला गया था कि वो अपने टीम एक बनाएंगे, कोलेगम बनाएंगे, उसके अंदर जो विचार विमर्श होगा फिर नाम जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे। अब बात आती है जो जजेस अपॉइंट होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। अब जो जज अपॉइंट होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? अ फॉरेनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए उन्होंने कोई न्याय का दफ्तर होल्ड करा होना चाहिए। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या तो 10 साल के लिए वो किसी भी हाई कोर्ट में वकील, बतौर वकील प्रैक्टिस करते होने चाहिए। अब द वेरी फर्स्ट कंडीशन इसमें इज इट इज मैंडेटरी, दिस सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। अब बात आती है टेन्योर ऑफ द जजेस। टेन्योर की बात करें तो हाई कोर्ट के जजेस का जो टेन्योर है वो होल्ड करते हैं अपने ऑफिस को 62 ईयर्स की एज तक। आफ्टर 62 इनको रिटायर कर दिया जाता है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज फाइनल। तो एज के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसको प्रेसिडेंट डिटरमिन करेंगे कि क्या एज इतनी है या नहीं है, और प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा इस केस में वो फाइनल होगा। अब हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ये अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये रिजाइन अगर करना चाहें तो अपना रेजिग्नेशन भी एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट को, और ये रेजिग्नेशन होना चाहिए इन राइटिंग। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट अगर रिकमेंड करे तो हाई कोर्ट के जजेस को अपने ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है, ऑन द सेम ग्राउंड्स जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कर रहे थे। ही वेकेट्स हिज ऑफिस व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही इज ट्रांसफर्ड टू अनदर हाई कोर्ट। अब मान लीजिए हाई कोर्ट का एक जज है, उसको या तो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया या फिर दूसरे हाई कोर्ट में जो है अपॉइंट कर दिया गया या ट्रांसफर कर दिया गया, तो जिस हाई कोर्ट में वो पहले बैठ रहे थे उसकी सीट उन्होंने वेकेट कर दी। इन दोनों केसेस में अब बात आती है ट्रांसफर ऑफ जजेस की, ट्रांसफर किस तरीके से होगी। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ हाई कोर्ट जज आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजेआई से कंसल्टेशन के बाद हाई कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे हाई कोर्ट में। इन 1994 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द जुडिशियल रिव्यू इज नेसेसरी टू चेक आर्बिट्रेरीनेस इन द ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो इसमें हेल्ड किया गया था, 1994 में हेल्ड किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था जुडिशियल रिव्यू जो है, सुप्रीम कोर्ट की पार जो जुडिशियल रिव्यू की है
ये बहुत ज्यादा जरूरी है हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के केस में भी। अब मान लीजिए ट्रांसफर को एज अ रिवेंज अगर यूज किया जाए, तो उसको चेक करने के लिए ये जुडिशियल रिव्यू का जो पार है ये बहुत जरूरी है। इन द थर्ड जजेस केस इट वॉज ओपाइंड दैट द सीजेआई शुड कंसल्ट एन एडिशन ऑफ कॉलेगम ऑफ फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द टू हाई कोर्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले जिस हाई कोर्ट से उनको ट्रांसफर करना है और जिस हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफर करना है, इन दोनों के चीफ जस्टिस को तो कंसल्ट करना ही करना है। कॉलेगम तो वैसे ही कंसल्ट कर रहे थे, तो कॉलेगम के साथ आपको दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करना होगा। अब बात आती है रिमूवल ऑफ जजेस की। अब रिमूवल के जो ग्राउंड्स हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए पढ़े थे, दोज आर सेम इन द केस ऑफ हाई कोर्ट। सैलरीज और अलाउंसेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहेगा, दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड कैन नॉट बी वेरिएड टू द डिट्रीमेंट ऑफ द जजेस वंस दे आर अपॉइंटेड। हाउएवर दिस डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी कि पार्लियामेंट सैलरीज जो है, अलाउंसेस जो है, इमोलमेंट्स जो है, ये डिटरमिन करेगी। इनको कभी भी उनके टर्म के दौरान उनके डिसएडवांटेज के लिए रिड्यूस नहीं करा जा सकता, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी जब हो तब इनकी सैलरी में कटौती करी जा सकती है। अब ये सैलरी पे कहाँ से होगी? दो द सैलरी ऑफ अ जज इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में से ये सैलरी पे ऑफ होगी, पर इनकी जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे होगी। राइट, तो कीप दिस इन माइंड। इस पे यूपीएससी माइट आस्क एनी क्वेश्चन कि जो पेंशन है वो कहाँ से पे होती है, तो इट वुड बी वेरी मच कंफ्यूजिंग कि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट के लिए काम करते हैं तो उनकी सैलरी भी स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से पे होगी। ऐसा नहीं है, सिर्फ सैलरी सिर्फ जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से पे होगी और पेंशन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे होगी। अब बात आती है एडिशनल और एक्टिंग जजेस की। एक्टिंग जजेस वो वाले जजेस होते हैं जो ऑर्डिनरीली काम हाई कोर्ट में नहीं कर रहे, जो रिटायर हो चुके हैं और उनको कुछ काम के लिए, स्पेशल काम के लिए वापस बुलाया गया। एडिशनल जजेस जो होते हैं, मान लीजिए अब हाई कोर्ट में कॉलेगम जो है, हाई कोर्ट के जजेस जो है, कॉरम जो है वो पूरा नहीं है और हमें कुछ जजेस की फॉर द टाइम बिंग जरूरत है, तो कुछ एडिशनल जजेस अपॉइंट कर दिए जाते हैं। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्संस एज एडिशनल जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट। तो जब टेम्परेरी बिजनेस जो है वो टेम्परेरीली इंक्रीज हो जाए, देयर आर एरियाज ऑफ वर्क इन द हाई कोर्ट। राइट, द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज अ एक्टिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट व्हेन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज अनएबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू एब्सेंस और एनी अदर रीजन, अपॉइंटेड टू एक्ट टेम्परेरीली एज चीफ जस्टिस एट दैट हाई कोर्ट। तो या तो वो किसी कारण से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको टेम्परेरीली चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट अपॉइंट कर दिया गया है, तो उनका काम करने के लिए एक्टिंग जज जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा। इन बोथ द केसेस द एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस कैन नॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 62 ईयर्स ऑफ एज। तो 62 ईयर्स की जो एज लिमिट है, इन एनी केस वो एज लिमिट एक्सीड नहीं होगी। नेक्स्ट इज योर इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट जैसे कि हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसी तरीके से द हाई कोर्ट्स आर मेड इंडिपेंडेंट। द हाई कोर्ट्स आर मेड इंडिपेंडेंट, सो व्हेन द हाई कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट एंड व्हाई द हाई कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट। जब हाई कोर्ट्स इंडिपेंडेंट होंगे
तब वो अपना काम ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे, सो दैट देर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सो दैट देर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और नो वन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, नो वन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन लाइन कैन इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंस को एंश्योर करने के लिए इसमें क्या प्रोविजंस हैं? द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट है जजेस की, उसमें किसी का भी रोल नहीं दिया गया, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का, और अगर एग्जीक्यूटिव को वो रोल दिया भी गया, द जजेस आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो अपॉइंटमेंट होगी दैट शुड बी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, राइट? तो कॉलेगम सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है उसने इंश्योर किया है कि देयर इज इंडिपेंडेंस। हाई कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है जजेस की, अब जजेस जो काम करेंगे वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनको मिलती है। 62 ईयर्स की एज तक उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। दे कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स सेम एज दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो जब तक वो अपना काम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कर रहे हैं, उनको भैया उनकी गद्दी से कोई नहीं हटा सकता, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ फैसला दे, चाहे किसी धर्म या किसी जाति के खिलाफ फैसला दे, वो न्याय की मूर्ति हैं और वो न्याय करेंगे। तो इस तरीके से हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस जो है एंश्योर करी गई थ्रू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, जो इनकी सर्विस कंडीशंस हैं वो फिक्स्ड हैं। हमने पढ़ा दिस सर्विस कंडीशंस, दिस सैलरीज, द इमोलुमेंट्स, दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू डिसएडवांटेज। और ये सारी चीजें हैं उनके डिसएडवांटेज के लिए रिड्यूस नहीं की जा सकती, पेनल्टी के लिए या उनको पनिशमेंट देने के लिए या ऐसा कहने के लिए कि भैया आपने तो फैसला ऐसा कर दिया जो कि सरकार के खिलाफ है, तो सरकार उनकी सैलरी कम कर दे। ऐसे नहीं होगा भैया, सैलरीज अलाउंसेस जो है वो फिक्स रहेंगे। दे कैन ओनली बी रिड्यूस्ड इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड, जो एक्सपेंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से जो है चार्ज किए जाते हैं। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, लाइकवाइज द कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। सिमिलरली द कंडक्ट ऑफ जजेस एक्टिंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, एक्टिंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द फ्लोर ऑफ हाउस। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, तो बेसिकली अगर हाई कोर्ट के जज रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनको तो भैया बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा अगर वो उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस चालू कर देते हैं, क्योंकि वहां उनका जो कलीग्स हैं वो सब उनसे वाकिफ हैं। ही विल बी हैविंग अ गुड रिप्यूट इन दैट हाई कोर्ट। तो जिस हाई कोर्ट में जज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस हाई कोर्ट में उनको अपॉइंट किया गया है, जिस हाई कोर्ट के जज हैं वो रिटायरमेंट के बाद उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या तो वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं या फिर देश के किसी और हाई कोर्ट में। पार्ट टू पनिश फॉर दी कंटेम्प्ट, अब हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए हाई कोर्ट हैज दी पार टू पनिश फॉर दी कंटेम्प्ट। दिस पार ऑफ दी हाई कोर्ट, दी पार टू पनिश फॉर दी कंटेम्प्ट द पार टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट एज फॉर द सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स एज वेल एज द हाई कोर्ट इटसेल्फ। तो हाई कोर्ट कंटेम्प्ट को पनिश कर सकता है अगर कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना होती है, अपमान होता है, निरादर होता है, तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट अपने ऑर्डर के अवहेलना के लिए या अपने से लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर की अवहेलना के लिए, अपमान के लिए, निरादर के लिए,
किसी को भी पनिश कर सकता है। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, तो हाई कोर्ट का स्टाफ जो है वो हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा, उसमें एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं रहेगा। इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय द स्टेट, इसके ज्यूरिसडिक्शन को कम नहीं किया जा सकता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो इस स्टेट पे अप्लाई होगी, फॉर एग्जाम्पल दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो बाय लॉ हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल हाई कोर्ट भी बना सकते हैं, पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में से अगर हम कहें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट रेवेन्यू मैटर्स पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं रखेगा, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, राइट। इसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हम बढ़ा सकते हैं, पर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कम नहीं कर सकते। अब बात आती है ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिटेल्ड प्रोविजन विद रिगार्ड टू द ज्यूरिसडिक्शन एंड द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, तो इसके बाद हाई कोर्ट के लिए डिटेल्ड प्रोविजंस तो हमारे पास नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट ओनली लेज डाउन दैट द ज्यूरिसडिक्शन एंड द पावर ऑफ द हाई कोर्ट आर टू बी द सेम एज इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद वन एडिशन, हाई कोर्ट हैज बीन गिवन ज्यूरिसडिक्शन ओवर द रेवेन्यू मैटर्स। तो अब जो पहले हमारे हाई कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन थी वो तो रहेगी, अब हमारे पास रेवेन्यू मैटर्स पे भी ज्यूरिसडिक्शन आ गई। तो बेसिकली अगर हमें बताना हो कि हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है क्या, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड रिट ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन of the original jurisdiction of the High Court, it is accepted that the original jurisdiction of the High Court is exercised by issue of writs to any person or authority including the government. So Article 226 jo hai, likewise Article 32 Supreme Court ki writ jurisdiction ke saath baat karta hai, Article 226 High Court ke writ jurisdiction ki baat karega. तो हाई कोर्ट रिट्स जो है वो इशू कर सकता है फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड आल्सो इन द केसेस ऑफ अदर लीगल राइट्स। द पावर ऑफ द हाई कोर्ट डज नॉट डेरोगेट द सिमिलर पावर कॉन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर दे दी, तो आर्टिकल 32 की पावर हमने कॉन्स्टिट्यूशन से वापस नहीं ली, दे आर को एक्सटेंसिव। The original jurisdiction of the High Court also extend to the matters of the admiralty, probate, matrimonial and contempt of court cases. So contempt of court cases, probate, admiralty, matrimonial cases, ये जो है, ये direct jurisdiction High Court की है ही. The High Court also has full powers to make rules, to regulate the business in relation to the administration of justice. It can punish for its own contempt. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट रूल्स बनाता है, जिसको हम हाई कोर्ट रूल्स कहते हैं। हर एक स्टेट के लिए डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं। हाई कोर्ट्स हैव बीन गिवन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर केसेस अराइजिंग आउट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस। तो इलेक्शंस से जो केसेस आते हैं, तो इसके जो केसेस आएंगे उसमें हाई कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दी गई। अब बात करते हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट की दो तरीके से होगी, सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है जो लोअर कोर्ट्स के केसेस आएंगे, मुंसिफ और डिस्ट्रिक्ट जजेस के जो फैसले होंगे उससे अगर कोई बंदा डिससेटिस्फाइड है तो वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। क्रिमिनल केसेस में सेशन कोर्ट्स के या एडिशनल सेशन जजेस के जो फैसले होंगे उससे अगर कोई इंसान एग्रीव्ड है, उससे अगर कोई इंसान ना खुश है, तो ही कैन अपील टू हाई कोर्ट डायरेक्टली। अब बात आती है हाई कोर्ट्स पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। अ हाई कोर्ट हैज आल्सो द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स एक्सेप्ट दोज डीलिंग विद द आर्म्ड फोर्सेस फंक्शनिंग इन द स्टेट।
तो सारी की सारी ट्राइब्यूनल्स और लोअर कोर्ट्स जो हाई स्टेट के अंदर आते हैं वो हाई कोर्ट की जनरल सुपरिटेंडेंस के अंदर आएंगे, सिवाय हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस की ट्रिब्यूनल्स रहेंगी। द पावर हैज मेड द हाई कोर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस इन द स्टेट। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल। हाई कोर्ट हैज द ड्यूटी टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द लोअर कोर्ट एंड टू सी व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द लोअर कोर्ट। इट इज बोथ जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो लोअर कोर्ट्स की होगी एज वेल एज जो हाई कोर्ट की होगी, ये हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। पर इसके साथ साथ हाई कोर्ट को जुडिशियल फंक्शंस भी दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्लेस एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन इट्स पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। इट मे बी नोटेड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज नो सिमिलर पावर वाया द हाई कोर्ट। जैसी पावर सुपरिटेंडेंस की हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरीके की इतनी वास्ट पावर नहीं है। द गवर्नर ऑल्सो कंसल्ट्स द हाई कोर्ट इन द अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज इन द स्टेट। तो गवर्नर बाकी के जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं इनको अपॉइंट करने के लिए हाई कोर्ट को कंसल्ट करते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अ हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, टेंडर एडवाइस ऑन अ लीगल क्वेश्चन रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टेंडर एडवाइस ऑन अ लीगल क्वेश्चन रेफर्ड टू इट बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, इशू सर्टेन रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और फॉर अदर पर्पसेस। तो इसमें हमारे पास हमने दो चीजें देखी। हाई कोर्ट के पास पार है कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है और हाई कोर्ट के पास रिट्स इशू करने की भी पार है अंडर आर्टिकल 226। तो द ऑप्शन नंबर 1 और 4 आर करेक्ट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The maximum number of judges in a high court are specified in the Constitution of India. So, what is the maximum number of judges? It is specified in the Constitution of India. No. Every high court has a power of superintendence over all the courts and tribunals except military tribunals, provided they are subject to appellate jurisdiction of the high court. So, इसमें हमारे पास दोनों के दोनों ऑप्शंस जो दिए हैं दोनों ही गलत हैं। अब मेंस प्रस्पेक्टिव से बात करें क्वेश्चंस की, तो बहुत लेंथी या बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बनते, बहुत आसान से क्वेश्चन बनेंगे। लाइक वाइज आई हैव लिस्टेड हियर व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन एंड द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो यू कैन जस्ट लिस्ट डाउन द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, राइट, डिस्कस सुपरवाइजरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स ओवर द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो इसमें भी वही सेम चीज आएगी। एक्सप्लेन द पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स रिगार्डिंग सुपरिटेंडेंस एंड ट्रांसफर ऑफ केसेस। तो हाई कोर्ट मोर देन द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस हैज द पावर टू ट्रांसफर द केसेस पेंडिंग इन एनी ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट to any other subordinate court as it deem fit। High court को अगर लगता है कि अगर lower courts में, अब high court is the head of the courts in a state, high court is the head of the courts in a state। अब state के अंदर बहुत सारे courts हैं। High court को लगता है अगर court A में कोई केस चल रहा है और court A is not competent to try that case, उस court में वो केस नहीं चलना चाहिए, वो चलना चाहिए court B में, या फिर देर आर चांसेस ऑफ बायसनेस, उस कोर्ट में अगर केस चलेगा तो वो कन्वीनियंट नहीं होगा, बायसनेस होगी या वो ढंग से नहीं चल रहा है, तो हाई कोर्ट उस केस को उठा के कोर्ट बी में ट्रांसफर कर सकती है। हाई कोर्ट कोर्ट बी में केस को ट्रांसफर कर सकती है या फिर उस केस को डायरेक्टली उठा के अपने पास भी चला सकती है। तो दिस इज द पावर टू ट्रांसफर ऑफ केसेस।
What are the rules for appointment and removal of the office of judges of a high court? तो appointment के बारे में भी हमने discuss करा था, likewise removal के बारे में भी हमने supreme court के case में जैसे discuss करा था, the same procedure is followed for the removal of judges of high court. Parliament जो है वो recommend कर सकती है president को to remove the judge of a high court. Proven misbehavior, misconduct, हमने ये सारी चीजें जो डिस्कस करी थी, सिमिलरली वो हाई कोर्ट के केस में भी सेम रहेंगी. तो इस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करा जा सकता है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. इस तरीके से आज हमारा जुडिशरी का टॉपिक भी यहां खत्म हो रहा है. आई होप कि मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसके पहले के भी सारे लेक्चर्स, वो आपने अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपनी ली होगी. यू कैन वॉच दिस लेक्चर्स अगेन एंड अगेन. आपको जितना भी इन लेक्चर्स में समझाया जा रहा है, इट इज मोर देन सफिशियंट. एज पर मी इट इज मोर देन सफिशियंट. आपको बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी से यू कैन क्रैक द एग्जाम वेरी इजीली. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे.